अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है डिजिट कैड एंड कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर का प्लान बताने वाला हूँ। जो मस्जिद का जो प्लॉट था वो थोड़ा सा काफ़ी क्रॉस है, जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में नहीं है, थोड़ा सा उसका शेप आउट है जो मैं आपको अभी शो करूँगा, जो उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए डायरेक्टली आपको मैं प्लान शो करता हूँ। प्लान शो करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूवर से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान है। साथ ही साथ ये फ्रंट साइड रोड है, सिर्फ ये 10 फीट की रोड है, तो ज़्यादा ये बड़ी रोड नहीं है। तो यहाँ पे 10 फीट की रोड है, फ्रंट साइड फेस का 28 फीट 9 इंच है। और यहाँ पे देखिए इस तरफ मैंने कुछ बेसमेंट के स्टेप शो किए हैं, जो इसका मेन गेट है जो एंट्रेंस के लिए है। यहाँ पे आने के बाद में आपको राइट साइड में इस तरफ यहाँ पे वजू खाना इस तरफ मिलेगा, आपको यहीं पे इजीली 10-12 वजू खाना इजीली आप ले सकते हो। और यहीं पे मैंने फ्रंट साइड इसका बड़ा वेंटिलेटर लिया है। वेंटिलेटर मतलब यानी आप अपने हिसाब से इसको जो वेंटिलेशन इजीली प्रोवाइड हो, आप चाहे तो एग्जांपल के तौर पे ये 18 फीट है इनर टू इनर, और यहाँ से इसको देखा जाए तो 15 फीट बाय, आप चाहे तो 3-4 फीट के हाइट में भी ले सकते हो ताकि इजीली इसका वेंटिलेशन आए, रोशनी वगैरह आए, क्योंकि बैक साइड थोड़े से विंडोज़ वगैरह नहीं ले सकते क्योंकि अदर प्लॉट है, दूसरों के प्लॉट है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड स्टेज प्रोवाइड किया है जो कंटिन्यूसली फ्लोर फ्लोर कंटिन्यू होंगे। इन साइड इसके नीचे जो आपको स्पेस मिल रही है वहाँ पे मैंने एक पाथ बनाया है जो 7 फीट बाय 5 फीट का है, और यहाँ पे आप चाहे तो एक्स्ट्रा एक 2 से 3 आप चाहे तो इजीली यहाँ पे तालत खाना बना सकते हो इस तरफ। और यहीं पे इसका मैंने वेंटिलेटर भी इस तरफ प्रोवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 फीट साइड बैक कंपलसरी छोड़ने के लिए सजेस्ट किया था जो मस्जिद के ज़िम्मेदार लोग हैं। और इस तरफ मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया है, और यहाँ पे भी मैंने 1.5 फीट का सेट बैक छोड़ा है ताकि इस तरफ विंडोज़ वगैरह इजीली ले सकें, जो सूटेबल इस साइड छोड़ने के लिए उन्होंने कहा था। तो ये आउटर शॉटर यहाँ पे 17 फीट है, और यहाँ से आउटर शॉटर 51 फीट 6 इंचेस। तो ये पूरी प्लॉट जो है एक्चुअल ऑड है, तो इस वजह से सेट करने के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जो मैंने फिर भी इसको सेट किया है। तो ये मस्जिद का नाम खलीली मस्जिद है, जो मैंने भी प्लान बनाया है, ये बंगाल में बनने वाली है। तो ये जो मैंने प्लान बनाया है एज़ पर जो मस्जिद के ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हीं के हिसाब से मैंने ये बनाया है। और आपकी भी कोई इलाके की या शहर की जो भी मस्जिद हो, कुछ भी अगर उसका प्लान वगैरह बनाना हो, तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए इस नंबर पे। और रिक्वायरमेंट जो भी हो, किस टाइप का आप बनाना चाहते हैं वो मुझे क्लियरली बताएं, तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपका प्लान, मस्जिद का प्लान बना के ज़रूर शो करूँगा। कॉल ज़रूर करें और ज़रूर रिक्वायरमेंट क्लियरली बताएं। तो ये इनर टर्नर देखिए, यहाँ पे 18 फीट, ऐसे में 33 फीट है। ये 18 फीट यहाँ पे मैंने इसका डायमेंशन भी शो किया है, 33 फीट यहाँ पे मैंने डायमेंशन भी शो किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक कॉर्नर आ रहा है जो इतना नहीं है। तो यहाँ से ये 14 फीट है, जैसे कि बैक साइड मैंने एक रूम प्रोवाइड किया है मौलाना रूम के लिए। तो यहाँ पे मेंबर बनेगा इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ मौलाना इस तरफ नमाज़ पढ़ा के पीछे आराम से 10 से 12 सफ हो सकते हैं इजीली। अगर ये प्लॉट अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल में होती तो काफ़ी बढ़िया सेट हो सकता था, थोड़ा सा शेप आउट होने की वजह से थोड़ा सा मैंने इसको अपने हिसाब से सेट किया है, और ये उम्मीद है वो लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मैंने सेंड किया है, अगर उसमें कुछ चेंजेस भी हो गया तो मैं वो भी प्लान आपको ज़रूर शो करूँगा। यहाँ पे मैंने 2 विंडोज़ लिया है, फ्रंट साइड एक है और यहाँ पे एक लेफ्ट साइड एक है, और यहीं पे मैंने मेन एंट्रेंस दिया है जो 6 फीट का लिया है मैंने। तो बस यही बताना था आपको इस वीडियो में, जो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपकी कोई मस्जिद इलाके में एरिया में बनने वाली तो कांटेक्ट ज़रूर करें। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डिटेल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।